यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को कोरोना हुआ है। राज्यपाल को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। उनके इलाज के लिए एम्स में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। ये टीम राज्यपाल के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, राज्यपाल के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्या डॉक्टरों ने कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया है? जी देखिए, अभी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उनको कल ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। जो जानकारी के अनुसार अभी उनकी तबीयत में बिल्कुल सुधार है। तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनकी जांच कर रही है, तमाम जांच हो रही है। ऐसे में अभी बताया गया है कि उनके स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितने भी लोग, अधिकांश लोग उनके संपर्क में आए थे, चाहे वो विधायक गणेश जोशी हो, वो अधिकांश सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मिले थे, हालांकि वो महाराष्ट्र लौट चुके हैं, और जिसके बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मिले थे। तो ये चिंताजनक जरूर है। वो जिन जिन लोगों से मिले थे, उन्होंने खुद ये अपील की है बेबी रानी मौर्य ने कि जिनके साथ भी वो संपर्क में आए हैं, वो खुद को सेल्फ क्वारंटीन करें और जितने भी तमाम नियम है उनको बरते, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना किसी के साथ ना हो। क्योंकि लगातार अब उत्तराखंड में कोरोना संकट काल एक बार फिर से मंडराने लगा है, लोगों की दिक्कतें और बढ़ने लगी है, आंकड़े बढ़ने लगे हैं, तो चिंताजनक जरूर है। इसी वजह से ऋषिकेश एम्स में भर्ती होने से पहले बेबी रानी मौर्य ने ये लोगों से अपील की कि जो भी उनके साथ संपर्क में आए वो सेल्फ क्वारंटीन करें। लेकिन अभी जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि बेबी रानी मौर्य की तबीयत ठीक है, हालांकि अभी वो ऋषिकेश एम्स में ही भर्ती हैं। कौशल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए।